सब भी चाहते हैं कि आपके भी बाल काले, लंबे, स्मूथ और सिल्की बाल हो, और वाइट हेयर की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और आप चाहते हैं कि वाइट हेयर्स ना आए, क्योंकि आप सब भी चाहते हैं कि आपके भी बाल काले, लंबे, घने और मोटे रहे, और आपको या अभी अभी या प्री मैच्योर ग्रोइंग हेयर की प्रॉब्लम है, या तो फिर अभी अभी आपको वाइट हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, या तो आपको बहुत पहले से आपको वाइट हेयर्स आते हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट करने से। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बालों को करेंगे नेचुरली ब्लैक। नेचुरली आप अपने बालों को जब भी आप काला करोगे तो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, नेचुरली आप अपने बालों को काला कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है वाइट हेयर टू ब्लैक हेयर नेचुरली सीरीज, और यहाँ पे ये है इसका पार्ट 7। आपने हमारी पूरी सीरीज को वॉच नहीं किया है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगाती हूँ, जाके जरूर देखिएगा। और आप सब भी चाहते हैं कि मैं आप सभी के साथ एक प्रॉपर ब्लैक हेयर डाइट आपके साथ शेयर करूँ, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू का बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दो, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबी ब्यूटी टिप्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इस टाइम पे मिलते हैं आपको हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर से रिलेटेड वीडियो, और आप सब चाहते हो कि हफ्ते में 2 बार वीडियोस आए, तो आप सभी लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दो, और ये मेरी इंस्टा आईडी है, जल्दी से जाके वहां पे फॉलो करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही जबरदस्त सा मैजिकल ब्लैक हेयर जेल। ये आपके बालों को नेचुरली ना सिर्फ काला करेगा, आपके बालों को ये लंबा मोटा घना बनाएगा ही, साथ में आपके बालों को इतना ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जिनके भी कर्ली हेयर्स हैं ना, उनके भी बाल स्ट्रेट होंगे, स्मूथ होने लगेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा जेल है, बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा असरदार है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो नाउ लेट्स प्रिपेयर द ब्लैक हेयर जेल। तो सबसे पहले तो आपको आयरन का ही बाउल लेना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आयरन का बाउल, और इसमें मैं यहाँ पे डाल लूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर। आप इससे ज़्यादा भी डाल दे सकते हैं, ज़्यादा भी बना के आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई इसको इजीली बना सकता है। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, और आखिरी में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इसको प्रॉपरली, हमें इन सारे पार्ट्स को, इस सीरीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप सभी लोग उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी इसमें 1 टी स्पून बटरफ्लाई पी, यानी शंख पुष्पी टी जो होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ये मिल जाएंगी, आप कहीं से ही परचेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी 1 टी स्पून ऑफ कलौंजी, तो कलौंजी भी हमारे बालों को काला करने में मदद करती है, और ये शंख पुष्पी जो टी है ये भी आपके बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसका जो ब्लू स्टेन होता है वो आपके बालों में ये अच्छा कलर डालने में, अंदर से आपके बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद हम मेन इन्ग्रीडियंट डालेंगे फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के फ़ायदे मैंने आपके साथ पहले ही शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं, इसको इनटेक करने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं लिंक लगाती हूँ, जाके जरूर देखिएगा। ये आपके बालों में 3x बूस्टर हेयर ग्रोथ करने में मदद करती है, और आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाती है। और क्योंकि हम इसे आयरन की कढ़ाई में पका रहे हैं तो ये ब्लैक हो जाएंगी, और ये भी आपके बालों में ब्लैक स्टेन देंगी, तो एक ब्लैक हेयर जेल, आपने देखा ना ब्लैक हेयर जेल इसका कितना ज्यादा काला जितना लग रहा है ना गाइस, उतना असर भी करेगा आपको। और ये बहुत ही ईजी है, हर कोई ईजिली बना सकता है, सारी चीजें अफोर्डेबल है, हर कोई ईजिली प्रिपेयर कर सकता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप और इसके अंदर वाटर ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून का फ्लैक्स सीड इसके अंदर ऐड किया था, तो वाटर मैंने कम डाला था, तो इसलिए मैंने इसके बाद और इसके अंदर 1/2 कप ऑफ वाटर डाल लिया। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप ऑफ वाटर के उसमें ये 5 टीस्पून फ्लैक्स सीड के डाल के जेल बना लेना आप सभी लोग। और आप सभी लोग शंख पुष्पी के सब्स्टिट्यूट उसके ले सकते हैं, अल्टरनेट आप सभी लोग उसके ले सकते हैं करी लीव्स। जी हाँ, अगर बहुत सारे लोगों का अवेलेबल नहीं होता है या तो फिर किसी को नहीं मिल रहा है वो चीज़, तो आप यहाँ पे करी लीव्स ले सकते हैं, वो तो किसी का
भी हो सकता है ना गाइस, हर किसी के पास घर में किचन में होता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अच्छे से पक गया है और इसका जो जेल इस तरह का ये फॉर्म रहना चाहिए। आपको इसको प्रॉपरली अच्छे से पकाना है, एटलीस्ट 30 मिनट तक तो आपको इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से जेल हो जाने के बाद इसको गरम गरम में ही छान लिया है, मलमल के कपड़े से आपको छान लेना है। और छान लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही ब्लैकिश सा जेल हमारा यहाँ पे बन करके रेडी है। और आप सभी लोग बिल्कुल भी ठंडा होने के बाद इसको मत छानिएगा, गरम गरम में ही छानना है, नहीं तो आप ठंडा होने के बाद छानने का अगर सोचेंगे तो वो जब तक ये जेल और वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आप उसको स्टेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए गरम गरम में ही स्टेन कर ले। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लूँगी कैस्टर ऑयल। जी हाँ, ये आपके बालों में ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं कैस्टर ऑयल के, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर कोई इसको ईजिली आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टी ट्री एसेंशन ऑयल। टी ट्री एसेंशन ऑयल आपके बालों में जो भी फंगल इन्फेक्शन या तो फिर आपके बालों में इचिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होती रहती है, या तो फिर आपको पिंपल्स आते रहते हैं स्कैल्प में, और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो उसको भी ये क्योर करता है। दोनों इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लेने के बाद इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सिर्फ ये आपको एक चीज़ लगाने से ही बाल काले नहीं होंगे, सारी सीरीज आपको फॉलो करना है। और मैं आप सभी के साथ प्रॉपरली यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आपको किस तरह से फॉलो करना है, कब तक फॉलो करना है। तो एंडिंग का जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप 15 से 20 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस रेमेडी को यूज़ कैसे करना है। तो हाउ टू यूज़ दिस रेमेडी, सबसे पहले तो आपको इस जेल को फ्रिज में से निकाल के 5-6 घंटे रखने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। ठंडा ठंडा इसको अप्लाई नहीं करना है। एंड आपको इसको पूरी मांगों में स्कैल्प में अच्छे से आपको जहाँ भी आपको वाइट हेयर्स है वहाँ पे भी अप्लाई करना है और पूरा स्कैल्प कवर करना है। आप चाहे तो इसको लेंथ में भी लगा सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हो स्मूथ हो तो आप इसको लेंथ में ही बना सकते हो, और ज़्यादा बना के आप स्टोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जेल को आपको नाइट में अप्लाई करना है और ओवरनाइट के लिए रहने देना है, बन बना के रखना है, और सुबह उठ के आपको हेयर वॉश करना है। एंड आप सभी लोग अपने बालों में डिफरेंस देख पाओगे, हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल एकदम डार्कर लगने लगेंगे, उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश सा टिंट आएगा। ऐसा नहीं करूँगी आपके बाल एक बार में ही काले हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है, कंटिन्यूसली करेंगे तभी होगा। तो आपके बालों में एक अच्छी शाइन आएगी, बालों में स्मूथनेस आएगी और बालों में ब्लैक हेयर टिंट टाइप आएगा फर्स्ट टाइम में। ओके, मतलब आपको ये सीरीज सारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो तभी आपके बाल नेचुरली अच्छे से ब्लैक होंगे। तो यहाँ पे आपको इसको ज़रूर से ज़रूर बनाना है, और इसको यूज़ करके आपको फीडबैक लाजमी मेरे साथ इसको शेयर करना है। सो अभी हम जान लेते हैं इस सारी सीरीज़ को हमें प्रॉपरली फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने आप सभी के साथ शेयर किया था टोनर। तो टोनर आपको रेगुलरली स्प्रे करना है अपने बालों पर, रेगुलरली आपको अपने बालों पर टोनर इस्तेमाल करना है। और जो हमारा पार्ट 2 जो हेयर ऑयल है वो भी आपको वीक में 3 टाइम एटलीस्ट लगाना है, और हर वक्त आपको इसको अप्लाई करना है, और ये 3 मंथ तक आपको ये सारी सीरीज फॉलो करनी है। एंड थर्ड जो है हमारा शैम्पू, ये शैम्पू आपको रेगुलरली जब आप हेयर वॉश करोगे, अगर आप हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करते हो तो इसको 3 बार इस शैम्पू को अप्लाई करना है। और जो हेयर पैक है वो आप अपने ऑयली बालों पर भी लगा सकते हो और रूखे बालों पर भी लगा सकते हो, यानी ड्राई हेयर्स पर। अगर आप ड्राई हेयर्स पर लगाएंगे तो आपको अच्छा कलर आएगा, तो अपने ड्राई हेयर्स पर लगाए। और नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 5 हेयर सीरम, आप इसको ऑयली हेयर्स पे ही लगाना आप सभी लोग, और आप इसको लगाकर ओवरनाइट रखना है, और आप सब इसे अल्टरनेट डेज पे लगाना। जैसे आपने मंडे को पैक लगाया तो वेनेसडे को आप यहाँ पे हेयर सीरम लगाएंगे। एंड पार्ट 6 इज द हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक को भी आपको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है। जैसे आपने वो वेनेसडे हेयर सीरम लगाया तो अब आपको फ्राइडे को हेयर टॉनिक अप्लाई करना है। आप इसको ओवरनाइट में ही अप्लाई करेंगे और ऑयली हेयर्स पे आप इसको अप्लाई करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इज द पार्ट 7 जो कि आज की इस वीडियो में हमने शेयर किया है। तो इसको भी आपको अल्टरनेट डेज पे लगाना है। जैसे आप फिर आप नेक्स्ट मंडे आप जेल लगाएंगे हेयर जेल, इसको आप लगाएंगे ओवरनाइट में ही इसको लगाना है आपको, और बन बना के आपको सोना है। ओके, ब्रेड नहीं बनाना है आपको। और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट
पार्ट था और इस सीरीज़ को आपको 3 महीने कंटिन्यूसली आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है और इससे जो भी रिजल्ट मिलते हैं आपको यहाँ पे कमेंट में आके शेयर करना है और इस सीरीज़ के सारे पार्ट्स को बेझिझक इसको यूज़ कीजिएगा। ये बिल्कुल 100% सेफ रेमेडीज़ है। इस सीरीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि ये जो ब्लैक हेयर सीरीज़ है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली नेक्स्ट नई वीडियो कौन सी चाहिए और आप सब अपने बालों की हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।